ये मनोज तिवारी 10 साल में यहाँ दिखा नहीं है, 2 लाख वोटों से जीतेगा कन्हैया कुमार। गंजा हो जाऊंगा मैं, गंजा हो जाऊंगा मैं। 70 साल तक कांग्रेस ही थी, जब 70 साल में क्या उखाड़ लिया? कन्हैया कुमार आए ना, कन्हैया कुमार कुछ नहीं है। कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर है, उनको यहाँ कोई वोट नहीं देगा। केजरीवाल की जो पहली सरकार थी उसमें इनके मंत्री संदीप कुमार खुद रेप के केस में पकड़े गए और इन्होंने बाहर भगाया। उन्हीं मंत्रियों को मोदी साहब अंदर ले ले रहे हैं, ये क्यों ले ले रहे हैं मुझे ये बता दो आप। इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें ये पता है 8-10 साल के अंदर हिंदू मुसलमान कहाँ फैलाना है। अभी यूपी में नहीं किया, कतई नहीं। पहले तो राहुल गांधी ने सिखाया, ये नफरत की राजनीति की नहीं करी। ट्रिपल तलाक हटाया, ट्रिपल तलाक हटा दिया, एक मंदिर बनवा दिया, एक आधा और तीन काम बताएंगे, चौथा नहीं बता सकते। पूछ लो आप इनसे। अब तो जवाब सुनो, अब सुनो, अडानी का कर्जा माफ करने के लिए थे भाई साहब। इन लोगों ने 15-15 लाख रुपए का जो बोला था कि जो स्विस बैंक में जो काला धन पड़ा है उसको मैं लाऊंगा तो आप लोगों में बांट दूंगा 15-15 लाख के हिसाब से। जो स्विस बैंक में 2014 में रुपया था वो आज 300 गुना है, डबल काला धन बढ़ गया है। पागल बना रहे हैं ये मनोज तिवारी 10 साल में यहाँ दिखा नहीं है, 2 लाख वोटों से जीतेगा कन्हैया कुमार। और भाषण दे के दिखा दे, मान जाऊंगा मैं, ये गारंटी से कह रहा हूँ, गंजा हो जाऊंगा मैं। ये 5 वर्ड छोड़ दे, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और तुम्हारा क्या कहते हैं जो मस्जिद मंदिर, ये वर्ड छोड़ दे और भाषण दिखा। मोदी मोदी मोदी, जवाब तो दीजिए सर। मोदी कोई नहीं, सब क्या नाम है, अब क्या करेगी? 70 साल से कांग्रेस कुछ नहीं करा तो अब क्या करेगी? कह रहा है एक झटके में गरीबी हटा देंगे। 70 साल से नहीं करा तो अब क्या करेगी? एक बार सर, वो कह रहे हैं कि मौका दीजिए एक झटके में। गरीब साल से तो कांग्रेस ही थी ना, 70 साल तक कांग्रेस ही थी, जब 70 साल में क्या उखाड़ लिया? जो 70 साल से कुछ नहीं उखाड़ा तो अब क्या उखाड़ेगी? आए ना कन्हैया कुमार, मिल रही क्या अब? नहीं मिल रही क्या? कन्हैया कुमार आए ना, हैं? कन्हैया कुमार आए ना। हाँ, कन्हैया कुमार कुछ नहीं है, सब सड़। कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर है, कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर है। उनको यहाँ कोई वोट नहीं देगा, उनको यहाँ कोई वोट नहीं देगा। बाहरी कैंडिडेट है, कहने मतलब ये हो रहे आप मोदी जी ने पैदा करें क्या? 2014 में हुए हैं सारे, बाकी जो है इन सबका कहने का मतलब नहीं, नहीं गलत कह रहे हैं। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि देश देश तरक्की कर रहा है। हाँ ठीक है, किस चीज की तरक्की कर रहा है आप बता दो, आप बताओ क्या तरक्की कर रहा है, मेरे को ये बताओ। आप मेरा तरक्की कर रहा है, आप मेरा तरक्की कर रहा है? अरे ये इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, सब कुछ कर दिया है, सब कुछ कर रहा है। आप चुप रहो, पहले एक आदमी से बात। देखिए देश तरक्की कर रहा है सब जगह। हाँ एजुकेशन में भी, एजुकेशन में अरविंद केजरीवाल केवल दिल्ली का है। देश तरक्की, मैं कह रहा हूँ देश तरक्की कर रहा है। IIT बना दी है, एम्स बना दिए है, कांग्रेस के राज में बने हैं। कांग्रेस के राज, खुद खुद राजीव गांधी ने बोला था कि हम 1 रुपया भेजते हैं केवल 15 पैसा पहुँचता है। यहाँ 1 रुपया, अगर 1 रुपया सेंटर से जाता है, केंद्र सरकार से जाता है, तो सीधा RTGS के थ्रू या बैंक के थ्रू गरीब आदमी के खाते में। अब आप, मैं बताता हूँ, आप ये बता दो, 10 साल मोदी जी हो गए, ITI कौन सा बना दिया और कौन सा दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल बना दिया? एक अब आपके, आपकी बात, अब आपने बोला मैं बोल रहा हूँ, गाजियाबाद से लेके ठीक है पूरा गाजियाबाद लगता है, यूपी के अंदर योगी जी 8-7 साल होने को आ रहे हैं, 8 हो गए, कितने हॉस्पिटल बना दिए? मैं दिल्ली में रहता हूँ, सारे गाजियाबाद के, लोनी के और तुम्हारे जितने भी हैं, यहाँ ऐसी तैसी कराने क्यों आते हैं? दिल्ली के केजरीवाल की क्यों ऐसी तैसी कर रहे हैं आप मेरे को ये बता दीजिए? आपके मोदी जी ने काम के लिए वोट क्यों नहीं मांगता बीजेपी का? लेने क्यों? बीजेपी का एक नेता बताओ काम के लिए वोट क्यों नहीं मांगता कि हमने काम किया है, हमें वोट दो। केजरीवाल बोलता है मैंने फ्री बस दी है वोट दो, मैंने फ्री बिजली दी है वोट दो। फिर मैं जवाब दूंगा। एक मिनट, केजरीवाल जी जेल क्यों गए? केजरीवाल जी जेल क्यों गए? केजरीवाल जी जेल क्यों गए? अभी आप पूछ रहे हो केजरीवाल जी हमारे जेल क्यों गए? हमारे 100 फुटे पे 4 ठेके खुल गए थे, 4 समझे जाते थे दिल्ली में उससे पहले। एक मिनट, हाँ बात बस सुनो, केजरीवाल की जो पहली सरकार थी उसमें इनके मंत्री संदीप कुमार
खुद रेप के केस में पकड़े गए और इन्होंने बाहर भगाया। अब उन्हीं मंत्रियों को मोदी साहब अंदर ले ले रहे हैं, ये क्यों ले ले रहे हैं मुझे ये बता दो आप। अब सुनो, एक एक मिनट भाई साहब, आपकी बात काट रहा हूँ। अब सुनो, अभी एक मिनट भाई साहब, भाई साहब आपकी बात काट रहा हूँ। लवली भी धुल गए, सुनो भाई साहब एक मिनट, आप देख कल बारी अजीत पवार 25,000 करोड़ के जो वो थे करप्ट, वो कल बरी हो गए भाई साहब। भाऊजी एक भाई साहब, मैं आपका बालक हूँ, देखो एक ठीक है ना, कोई गलती हो तो माफी चाहता हूँ ठीक। आप ये बताओ, अभी यहाँ भजनपुरा में दंगे हुए, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, मोदी जी कहाँ के प्रधानमंत्री हैं आप ये बता दीजिए मुझे, देश के प्रधानमंत्री है। 3 दिन में CRPF पड़ी है यहाँ पे, समझ गए ना, समझ गए। मोदी को 1 मिनट में फोन करना था, मोदी जी के 1 सेकंड में CRP पड़ जाती। CRP आप मुझे बता दो, मिलिट्री मुझे बता, एक मिनट। दंगे किसने करे? बीजेपी ने। देखिए एक एक विशेष, एक विशेष को आप कर रहे हो, नहीं को आप बता रहे हो, आपके घर में कोई रिश्तेदार आया है ठीक है, आप उसके सामने लड़ोगे? आप सामने लड़ोगे? आपके घर में रिश्तेदार आया हुआ, हमारे हमारे देश में ओबामा आया हुआ था, हमारे देश में उस टाइम ओबामा आया हुआ था, क्या बात कर रहे हो? ये बहुत पुरानी हो गई है, उस टाइम आया था कपिल मिश्रा, फोन करना था, समझ गए ना, समझ गए, ओबामा आया हुआ था। कोई भी बात हो, ये क्या बात कर रहे हो आप? आप ये बताओ, आप उनके नेता क्या कर रहे थे मुझे ये तो बता दो। चले गया वो मामा यहाँ से प्लेन में बैठा है, उस टाइम तो ऑर्डर दे दिया, सारे बंद हो गए, छूट हो गए। इस की बात सुनो, सुनो, हमारे इस क्षेत्र के सांसद नेता हमारे, सुनो सुनो, कुछ नहीं पता इन्हें, ये पता है इन्हें, कुछ नहीं पता इन्हें, ये पता है 8-10 साल के अंदर हिंदू मुसलमान कहाँ फैलाना है। अभी यूपी में नहीं किया, कतई नहीं किया। अगर अगर अभी योगी जी ने ये जवाब दिया है कि अगर दोबारा से कांग्रेस आती है तो हिंदुओं पे आपका फिर क्या नाम है, नहीं कुछ और जवाब दिया था इन्होंने, पर कांग्रेस के आने से तो मतलब आज 70 साल पहले से हिंदू रहे नहीं क्या, ये बता दो। मोदी मोदी ने हिंदू मुसलमान किया है क्या? पहले तो राहुल गांधी ने सिखाया ये ये हाँ, ये सब चीज राहुल गांधी कहते थे मुसलमान सब एक हो जाओ। मोदी बच्चा है, राहुल गांधी ने सिखाया तो मोदी जा रहा हूँ कांग्रेस, नहीं तो मैं बताता इनको कौन सा नफरत, एक सर नफरत की राजनीति की नहीं करी, ट्रिपल तलाक हटाया है, अगर नफ समझे मैं भी मामला लूं, मैं काम गिनवाएंगे, पता क्या, ट्रिपल तलाक हटा दिया, एक मंदिर बनवा दिया, एक आधा और 3 काम बताएंगे, चौथा नहीं बता सकते, पूछ लो आप इनसे। भाई साहब थोड़ी सी, निठल्ले आदमी हो, ये सब निठल्ले आदमी, हम काम वाले निठल्ले देते हैं। सुनो ये कहते हैं 370 हटा दिया, एक मिनट, 370 हटाने के बाद ये पूछो जो 370 में खुश हो रहे हैं, इन्होंने कितनी प्रॉपर्टी खरीदी वहाँ पे, कितनी जमीन, कितनी वहाँ पे किसने खरीद ली, किसके हाथ में दिखा दो, साले इन्हीं के मंत्रियों के हाथ में सबके।